नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं रांची मेन रोड ओवरब्रिज पास से टाटी सिल्वर तक का ब्लॉक। तो अभी हम जा रहे हैं टाटी सिल्वर, मैंने सोचा कि आपको भी साथ ले चलूं और आपको यहाँ का ब्लॉक दिखाऊं कि रांची में लॉकडाउन 4.0 में क्या क्या खुल चुका है और यहाँ का चहल पहल कैसा है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे में एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब हम कोई नई वीडियो डालें तो उसके अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि अगर आप हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक करके हमें फॉलो कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं ब्लॉगिंग अंडरस्कोर वर्ल्ड, सर्च करके भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन में रांची का मतलब अगर बोला जाए कि हालत काफ़ी ख़राब हो चुका था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा सुधार है और आप देख सकते हैं कि मतलब पहले से बहुत ज़्यादा चहल पहल है और लगभग काफ़ी चीज़ें हैं जो कि खुल चुकी है। और दोस्तों आप लोगों से एक सजेशन चाहिए था, मुझे एक कैमरा परचेज करना है तो मैं सोच रहा था गोप्रो ख़रीदने के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरे लिए गोप्रो अच्छा रहेगा या फिर DSLR अच्छा रहेगा, हम कौन सा कैमरा खरीदें जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा मेन व्यूज है ब्लॉगिंग करना और ब्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा अच्छा होता है ये आप लोग हमें सजेस्ट करें। मैं कोशिश करूँगा वही कैमरा खरीदूँगा, हालांकि मोबाइल से ब्लॉगिंग करने मुझे काफ़ी परेशानी आती है, बाइक चलाते हुए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूं, उसके लिए हमें रुक कर ब्लॉगिंग करना होता है या फिर किसी और को साथ में लेकर जाना होता है जो कि मेरे से लिए बाइक ड्राइव करे, तो इसके बारे में ब्लॉगिंग करता हूं, तो आप हमें ज़रूर बताएं। और अभी आप सामने देख सकते हैं कि ये रांची रेलवे स्टेशन का नज़ारा है जो कि काफ़ी सुनसान है अभी, और मैं चुटिया तरफ से होते हुए जाऊँगा तो मैं आपको उधर का भी सीन दिखाऊँगा। चलिए वीडियो को इन्जॉय कीजिए। और अभी का जो आपने नज़ारा देखा ये चुटिया का था, आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चहल पहल आपको यहाँ पे देखने को मिला और मतलब लॉकडाउन 4.0 में अगर देखा जाए तो मतलब लगभग काफ़ी चीज़ें खुल चुकी है, ज़रूरत की सारी सामान आपको मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा चहल पहल है पहले की अपेक्षा। अब हम पहुँचने वाले हैं नामकुम की तरफ, तो इधर लॉकडाउन का थोड़ा असर दिख रहा है, आप देख सकते हैं रोड काफ़ी ज़्यादा सुनसान है, कुछ गाड़ियाँ जो ज़रूरत की जा रही हैं ट्रांसपोर्टिंग वगैरह जो चालू है और कुछ लोग जो अपने काम से निकले हुए हैं बोलिए या फिर ऑफिस वगैरह के लिए निकले हुए हैं उन लोग ही नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, सवारी गाड़ी की बात करें तो बहुत कम नहीं बोला जा सकता है, नहीं के बराबर बोलिए इसमें,
कि मतलब गाड़ी नई ही चल रही है, चूँकि अभी तक मुझे कोई भी ऑटो रिक्शा या फिर बस वगैरह नहीं दिखा है। जो भी गाड़ियाँ हमें मिली है प्राइवेट गाड़ियाँ या फिर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ ही मिली हैं। हालांकि बाइक पे अभी डबल लोग ट्रैवल करने का अलाव नहीं है, लेकिन लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं नामकुम। ये सामने आप देख सकते हैं नामकुम रेलवे स्टेशन है। और किसी दिन लॉकडाउन के बाद मैं आपको यहाँ का भी ब्लॉग दिखाऊंगा। दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंचने वाले हैं टाटी सिल्वर चौक के पास में। और अभी आप देख सकते हैं पीछे में आपको दिख रहा है ये जो चौक है, यही टाटी सिल्वर चौक है। हमें यहीं काम था, तो चलिए मैं आपको अपना काम करवाता हूं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए ब्लॉग। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।